के लिए। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज है हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। नमस्कार, इंडिया रियल स्टेट गाइड सीजन 3 दुबई स्पेशल में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और हम एक बार फिर मौजूद हैं इस शानदार शहर दुबई 3 में अपना तीसरा या वीक 3 एपिसोड लेकर। पिछले 2 हफ्तों से हम लगातार दुबई के अलग अलग इलाकों को आपको दिखा रहे हैं और दे रहे हैं आपको कुछ बेहतरीन और शानदार प्रॉपर्टी ऑप्शंस। लेकिन अभी भी दुबई का सफर खत्म नहीं हुआ है और हम पहुंच गए हैं वीक 3 में, जहां पर हम आपको लेकर चलेंगे फिर कुछ और नए और शानदार हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशंस में दुबई के अंदर, जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक शानदार घर भी खरीद सकते हैं। और इस हफ्ते हमारा फोकस होगा दुबई मेन लैंड से थोड़ा हटकर कुछ आउटस्कर्ट्स में, जहां पर कई नए डेवलपमेंट हो रहे हैं और यहां पर भी मौका बनता है आपके लिए एक शानदार निवेश का। लेकिन इससे पहले एक बार हम फिर से नजर डालेंगे इस शानदार और खूबसूरत से शहर दुबई पर। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात का ये दूसरा सबसे बड़ा शहर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में की जाती है। अपनी अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल, बेहतरीन प्रशासन के साथ अच्छी कानून व्यवस्था और इनकम पर किसी तरह का टैक्स न होने के चलते ये पैसा कमाने की सबसे पसंदीदा जगह बन चुका है। यही कारण है कि आज दुबई ने अपना रुतबा एक ग्लोबल सिटी का बना लिया है और ये दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों का दूसरा घर बन चुका है। People that work here, they find that they're in a society which accepts them. They find they're in a society which rewards hard work, a society where anything is possible. So many people move here expecting to stay 1 year or 2 years and they find themselves here and their children brought up here 20 years later. And many of them have done very well for themselves. आज दुबई में हर वो बात मौजूद है जो किसी ड्रीम सिटी में होनी चाहिए। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से लेकर दुनिया का सबसे महंगा होटल और दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल तक सब कुछ है। पूरे शहर में फैला हाई क्लास एक्सप्रेसवे का जाल और सिटी के हर हिस्से को जोड़ने वाली मेट्रो ट्रेन दुबई को बिना रुके चलने वाला शहर बनाती है। More and more people stopping off here, more and more people spending holidays here for longer periods of time, either on the way out to Asia or on the way back from Asia or here in its own right. But the airline Emirates underpins that strength of people being able to hop through and spend 2, 3, 4, 5 nights, maybe a week here in Dubai itself. Dubai health or education ke mamle mein bhi दुनिया के अव्वल शहरों में शामिल किया जा सकता है। बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्कूल और बड़े पैमाने पर हायर एजुकेशन सेंटर मौजूद हैं। तो दूसरी तरफ अपने वर्ल्ड क्लास मॉल्स के चलते दुबई शॉपिंग करने वालों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। The shopping is also an experience. It is shopping entertainment. So they're not just looking to go and buy certain items. They're looking to have an experience with their whole family, and that is really why our shopping has surpassed anywhere else in the world. कभी कच्चे तेल पर निर्भर रही दुबई की अर्थव्यवस्था में पिछले 2 दशकों में तेजी से बदलाव आया है। अब इसकी आय का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म, रियल स्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे दुनिया का महत्वपूर्ण ट्रेड रूट भी बनाती है। दुबई में ही दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित हार्बर है, जो कंटेनर ट्रैफिक के लिहाज से दुनिया में 7वें नंबर पर है। तो दूसरी तरफ
48 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में फैला जबेल अली फ्री ट्रेड जोन इस वक्त दुनिया भर की 6400 कंपनियों का घर है। इन्हीं सब बातों के बीच दुबई के प्रशासक शेख मोहम्मद भी बदलते वक्त के साथ दुबई का चेहरा बदलने में लगे हुए हैं और इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस हब बनाना चाहते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह दुबई ने साल दर साल अपने आप को एक बेहतरीन बिजनेस सेंटर की तरह डेवलप किया है और अब ये पूरी दुनिया को ऑफर कर रहा है कि आइए और हमारे यहाँ पर बिजनेस कीजिए, हम आपको तमाम तरह की सुविधाएं देंगे। लेकिन एक और सेक्टर है जहाँ पर दुबई ने बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखाई है और वो है इसका टूरिज्म इंडस्ट्री या इसका टूरिज्म सेक्टर, जहाँ पर इसने बहुत ही यूनिक तरीके से खुद को डेवलप किया और हर साल लाखों सैलानी अब दुबई की इस खूबसूरती को, इसके जादू को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और ये लगातार डेवलप हो रहा है। नो डाउट ये इसके रियल स्टेट मार्केट में भी एक मेजर रोल प्ले करता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं दुबई की टूरिज्म इंडस्ट्री पर। कुछ सालों में दुबई ने जिस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जोर दिया है और सबसे ज्यादा तरक्की भी की है वो है टूरिज्म या पर्यटन। दुबई के पर्यटन की सफलता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2012 में यहां पर 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे और इस वक्त दुबई एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बन चुका है। You look at India, for example, one of our top source markets. Every year, more people come and more people arrive. And we see that trend continuing. The more flights which are put on by both Emirates Airline and also the domestic carriers of the various source markets, the low-cost airlines flying to and from India. ये सब हुआ है दुबई की शानदार टूरिज्म पॉलिसी की वजह से, जिसके चलते दुबई ने खुद को दुनिया के सबसे बेहतरीन टूरिज्म सेंटर्स में से एक साबित किया है। आज दुबई में हर वो बात मौजूद है जिसके चलते हर कोई दुबई जाना चाहता है। यहाँ पर दुबई मॉल के तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो कई और ऐसे मॉल भी हैं जिनकी अपनी खूबियाँ लोगों को वहाँ खींच लाती हैं। जब बात हो शॉपिंग की तो दुबई किसी जन्नत से कम नहीं है। हर तरह का प्रोडक्ट, हर तरह का ब्रांड यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। आपकी शॉपिंग की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होगी, हाँ पैसे जरूर खत्म हो सकते हैं। लेकिन शॉपिंग के अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे न सिर्फ पर्यटकों को अमीरात की संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है बल्कि ये एक तरह का लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। उन्हीं आकर्षणों में से एक है दुबई की डेजर्ट सफारी। डेजर्ट के बिना आप दुबई की कल्पना नहीं कर सकते और दुबई के डेजर्ट को अगर आप वास्तव में फील करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा डेजर्ट सफारी पर। इस सफारी में गजब का थ्रिल और एक्साइटमेंट है। डेजर्ट सफारी का मजा किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है, जहां पर रेगिस्तान के बीचों बीच आपकी फोर व्हील ड्राइव फर्राटे से दौड़ लगाती है और आपकी सांसें ऊंची नीची होती रहती हैं, लेकिन ये अनुभव रोमांस से भरपूर होता है। डेजर्ट सफारी का आनंद लेने के बाद चांदनी रात में दुबई क्रीक में दाव क्रूज की बात ही कुछ और है। दुबई को दो हिस्सों में बांटने वाली इस क्रीक से आपको दुबई का दूसरा ही रूप देखने को मिलता है। बाहर घूमने फिरने से मन भर जाए तो एक बार फिर मॉल्स का रुख किया जा सकता है, जहां पर आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। दुबई मॉल में आपको किड्जानिया मिल जाएगा, जो बच्चों का सबसे बड़ा आकर्षण कहा जा सकता है। यहां बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ प्लेन उड़ाने, फायर फाइटिंग, टीवी प्रोडक्शन से लेकर कंस्ट्रक्शन और न जाने कितने कामों का रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। दुबई रेगिस्तान में बसा शहर है, लेकिन फिर भी आप यहां पर 12 महीने स्कीइंग का मजा ले सकते हैं। दुबई के मॉल ऑफ अमीरात में बना स्की दुबई पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा स्की जोन है। दुबई इज ऑल अबाउट फन। अगर आप शॉपिंग करके यहाँ पर थक जाएं तो आपके एंटरटेनमेंट के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। हर मॉल में आपको इस तरह की कई नायाब चीजें मिलेंगी और उनमें से एक है ये स्की दुबई, जो कि मौजूद है मॉल ऑफ एमिरेट्स के अंदर। बाहर जब 50 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी है तब आप यहाँ पर -5 डिग्री में स्कीइंग का आनंद उठा सकते हैं।
दुबई में रुकने का अनुभव भी बहुत शानदार है। जहां पर बुर्ज अल अरब के तौर पर दुनिया का सबसे महंगा होटल मौजूद है, तो यहां पर मीलिया दुबई जैसे फाइव स्टार होटल्स भी हैं, जो मेहमानों की खातिर में कोई कसर नहीं छोड़ते। टैक्सी सर्विसेज के मामले में भी दुबई दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इन सब बातों के अलावा ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को खींचने के लिए दुबई अब हर साल अलग अलग फेस्टिवल्स का आयोजन भी करता है। तो ये आपने देखा कि क्यों है दुबई इतना खास और इतना आकर्षक कि ये सबको अपनी तरफ खींचता है। लेकिन अब वक्त हो गया है कि हम बात करेंगे दुबई के रियल स्टेट मार्केट की। रिसेशन आने के बाद जरूर ये थोड़ा स्लो हुआ था और इसको रिसेशन ने हिट भी किया था, लेकिन अब एक बार फिर इसने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। और यही वो मौका होता है किसी भी प्रॉपर्टी मार्केट में जब आप उसमें इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो इससे पहले कि हम एक बार फिर दुबई रियल स्टेट मार्केट के और नए नए वेंचर्स में आपको लेकर चलें और नए नए इलाकों को आपके लिए खोजें, एक बार फिर से फटाफट नजर डाल लेते हैं दुबई के रियल स्टेट मार्केट पर। दुबई का रियल स्टेट मार्केट दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी डेस्टिनेशंस में गिना जा सकता है। समुद्र के बीच बनाए गए पाम पर बंगले हो या आसमान को छूती दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया का शायद ही कोई दूसरा देश हो जहां पर रियल स्टेट इंडस्ट्री का ऐसा शानदार ताना बाना देखने को मिलता हो। Every hotel which is being built here now is being built with the overall experience in mind. So it's not just about the rooms, it's about the theming and it's about everything else. इसे दुबई का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जब यहाँ का रियल स्टेट मार्केट पूरी रफ्तार से उड़ान भर रहा था, उसी वक्त दुनिया को मंदी की मार ने घेर लिया। इस मार से दुबई भी नहीं बच पाया और 2008-09 के बीच प्रॉपर्टी की कीमतें 60% से ज्यादा गिर गई, खरीदार गायब हो गए और दुबई की रियल स्टेट कंपनियां भारी कर्ज के तले दब गई। लेकिन दुबई ने इससे कई बड़े सबक सीखे। I think everybody's learned a lesson from past experiences. I think the combination of the right developers in the last cycle building the right product. Everybody understands what the right product is. So they've learned a lesson that they're onto the right thing. अब हालात एक बार फिर बेहतरी की तरफ हैं और पिछले एक साल में यहाँ के प्रॉपर्टी मार्केट ने फिर रफ्तार पकड़ ली है, जिसका असर रियल स्टेट की कीमतों में देखने को मिल रहा है। I think it increased something like 60% from the last years up to now, and in the quarter one. We're recovering much faster than any expectation, and especially there is a growth, and we see the growth in rental and sale. दुबई की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना काफी आसान है, जिसमें जितना कम वक्त लगता है उतनी ही कम ट्रांजैक्शन फीस भी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर घरों का किराया काफी अच्छा मिलता है और इस किराए पर किसी तरह का टैक्स नहीं है। No capital appreciation, nothing is taxed. So when you get rental income, it's net in your hand. Of course, you pay maintenance fees to the developer for the property that you own, but there is no taxation on any of this. दुबई के ही सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारतीय निवेशक दुबई के रियल स्टेट मार्केट में सबसे बड़े खरीदार हैं और दुबई सरकार भी भारत के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहती है। First investor, we have the Indian from Indian. We have something like 48 billion dirham now. They put it in the market for the invest in Dubai. इन्हीं सब बातों के चलते दुबई इस वक्त एक हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन है और इस बात में कोई शक नहीं कि जिस तरह की सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर के पास मौजूद है, यहां का रियल स्टेट मार्केट जल्द ही नई बुलंदियों को छू लेगा। और इसी के साथ इंडिया रियल स्टेट गाइड सीजन 3 दुबई स्पेशल वीक 3 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हमेशा की तरह हम एक बार फिर शुरू करेंगे दुबई में अपने सफर को, लेकर चलेंगे आपको अलग अलग इलाकों में और देखेंगे कुछ बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शन। और इस वीक हमारा फोकस होगा दुबई के थोड़े से आउटस्कर्ट्स इलाकों में जहां पर भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हो रहा है। तो करेंगे इन सब इलाकों की बात, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। अटेंशन पैसेंजर्स, पेरिस जाने वाली फ्लाइट में एक बहुत सेक्सी मॉडल बैठने वाली है, उसकी बगल की सीट खाली है, तो अपने अपने बैग्स लेके भागिए।
पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए वीआईपी एयरलाइन बैग्स। वीआईपी इंडियाज नंबर वन लगेज। जब अगली बार ऐसा खाना बनाओ ना तो ज्यादा बनाना। या सिल्वर बेचें, मार्केट बुलिश या बेरिश, करें अपने पैसों को मल्टीप्लाई। एसएमएस करें एपिक 56363 पर या लॉग ऑन करें epicresearch.co। नमस्कार, हाजिर है पहरेदार। देश का ये एकमात्र शो है जो करता है कंज्यूमर की बात। सीएनबीसी ने ये मैटर टेकअप किया, विद इन 24 आवर्स उन्होंने एसी रिप्लेस कर दिया है। पहरेदार ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जस्टिस पक्का मिल सकता है। एक ईमेल आपको क्या भेजा कि मेरा सारा सब प्रॉब्लम आप लोगों ने सुलझा दिया। पहरेदार की वजह से आज मुझे ब्रांड न्यू नया टीवी मिल रहा है। मैं पर्सनली थैंक कहना चाहूंगा सीएनबीसी आवाज का। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू सीएनबीसी आवाज और सीएनबीसी पहरेदार। थैंक यू पहरेदार। हम पहुँचाएंगे आपकी हर शिकायतों तक, जो आपकी शिकायत को अनसुना करते रहे अब तक। बिनानी ब्रज बिनानी ग्रुप प्रेजेंट्स पहरेदार इन वक्त पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 दुबई स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम चल रहे हैं इसके वीक 3 में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कुछ और शानदार प्रॉपर्टी डेस्टिनेशंस की दुबई के अंदर। जैसा मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि अब हम मूव करेंगे दुबई के कुछ आउटस्कर्ट्स इलाकों में, लेकिन इन इलाकों में भी बहुत शानदार प्रॉपर्टी डेवलपमेंट हो रहा है। इन इलाकों में मोटर सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, ऑटोडोम, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको बहुत शानदार प्रॉपर्टी डेवलपमेंट होते हुए मिल जाएंगे। और इसी रोड पर आगे चलते हुए आपको सिलिकॉन ओएसिस जैसे डेवलपमेंट भी मिलेंगे और कई इलाके हैं जहां पर आसपास काफ़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यानी कुल मिला के ये भी दुबई के फ्यूचर डेवलपिंग इलाके हैं और इनमें इन्वेस्टमेंट आपको आगे के लिए काफी फायदा पहुंचा सकता है। दुबई स्पोर्ट्स सिटी यहां के शासक शेख मोहम्मद की एक और बेहतरीन कोशिश में गिनी जा सकती है, जहां वो दुबई को दुनिया का एक बेहतरीन स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। यहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ साथ हाई एंड रेजिडेंशियल स्कीम्स भी तैयार की गई है, जिसमें मल्टी स्टोरी से लेकर विला तक बनाए गए हैं। यहां पर एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार है और एक बार फिर यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। Lot of development earmarked over the next 5 to 10 years in those areas, so it will be an area which appreciates. Dubai Sports City के साथ ही बन रही है Dubai Motor City. ये भी एक थीम बेस्ड डेवलपमेंट है जो 4 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा में डेवलप किया जा रहा है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें रोमांच और रफ्तार पसंद है। यहाँ पर कार रेसिंग और उससे जुड़ी तमाम फैसिलिटी एक ही जगह पर बनाई गई है। यहाँ पर रहना एक अलग ही अनुभव साबित हो सकता है। फिलहाल इस इलाके में डेवलपमेंट का काम चल रहा है और यही कारण है कि यहाँ पर भाव अभी भी कम है और निवेश के लिए एक अच्छा मौका बनता है। आइए फटाफट अब हम नजर डालेंगे इस इलाके में किस तरह के प्रॉपर्टी ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। रो हाउसेस से लेकर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहते हैं और अलग अलग कंसेप्ट पे यहाँ पर काम हो रहा है, जिसमें आप अलग अलग जगहों पर अपनी पसंद के हिसाब से घर खरीद सकते हैं। तो आइए एक नजर डालें कि स्पोर्ट्स सिटी या फिर मोटर सिटी के अंदर किस तरीके के प्रॉपर्टी ऑप्शंस आपके लिए मौजूद है और किस प्राइस रेंज पर आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। दुबई स्पोर्ट्स सिटी में आपको कई बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 या 2 बेडरूम वाले फ्लैट या फिर विला भी देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 बेडरूम फ्लैट देख रहे हैं तो आपको 8 से 10 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पर घर की डील मिल सकती है। यहाँ के जेनिट A1 टावर में आपको 1040 स्क्वायर फीट एरिया वाला फ्लैट करीब 1 करोड़ रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी जरूरत 2 बेडरूम फ्लैट है तो आप यहाँ के टेनिस टावर में घर तलाश सकते हैं, जहाँ पर आपको करीब 8800 रुपए के भाव पर शानदार डील मिल सकती है। लेकिन अगर आप मोटर सिटी में घर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। मोटर सिटी में भी स्टूडियो अपार्टमेंट के साथ साथ 1 और 2 BHK फ्लैट मौजूद है। यहाँ पर आपको 10 से 13 हजार रुपए के भाव पर प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मोटर सिटी के नॉर्टन कोर्ट में 11,505 रुपए के भाव पर आप 958 स्क्वायर फीट वाला 1 बेडरूम फ्लैट देख सकते हैं। वहीं अगर आप 2 बेडरूम फ्लैट की तलाश में हैं तो यहां आपके लिए डिंकन सर्किट में ऑप्शन मौजूद है, जहां पर आपको करीब 13,000 रुपए के भाव पर 1670 स्क्वायर फीट एरिया वाला 2 बेडरूम फ्लैट मिल जाएगा।
और इसी के साथ इंडिया रियल स्टेट गाइड सीजन 3 दुबई स्पेशल वीक 3 में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी प्रॉपर्टीज ढूंढने का ये सफर जारी रहेगा। आउटस्कर्ट्स में कुछ और तलाशेंगे, खासतौर पर लेकर चलेंगे आपको यहाँ के सिलिकॉन ओएसिस इलाके में, जहां पर कई तरह के प्रॉपर्टी ऑप्शंस आपके लिए मौजूद है। तो कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। प्रायोजक है महिंद्रा मैक्सिमो। आपके निवेश को तो आगे बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ आपका टैक्स भी बचाएंगे। 1 लाख तो निवेश जरूर करना है, तभी जाके मैक्सिमम टैक्स आपका बचेगा। पीपीएफ में निवेश किया, फायदा ही फायदा। सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स बिल्कुल नहीं देना है। ढेर सारा अगर सोना रख लिया तो वेल्थ टैक्स सरकार को देना मत भूल जाना। जिनसे गिफ्ट नहीं लेना है महिलाओं को, इनके नाम है पति, सास, ससुर। ज्यादा बचाइए और ज्यादा कमाइए, ये है टैक्स गुरु का गुरु मंत्र। टैक्स गुरु के प्रस्तुत करता है LIC's Flexi Plus, a good investment is all about protection, security and good along with। प्रायोजक है वाग बकरी चाय। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद इंडिया रियल स्टेट गाइड सीजन 3 दुबई स्पेशल वीक 3 में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम बता रहे हैं आपको कुछ शानदार प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन आपके इन्वेस्टमेंट के लिए इस शानदार प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर। और आज हम यहां पर इसके आउटस्कर्ट्स को तलाश कर रहे हैं, किस तरह के प्रॉपर्टी ऑप्शन यहां पर मौजूद हैं। कुछ प्रॉपर्टी ऑप्शन हमने ब्रेक से पहले देखे और कुछ और ऑप्शन अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनमें से एक है यहां का सिलिकॉन ओएसिस इलाका। ये इलाका भी बहुत शानदार तरीके से डेवलप हो रहा है और यहां पर कई शानदार प्रॉपर्टी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इतना ही नहीं, इस इलाके के आसपास भी काफी सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसमें आपको कुछ और अच्छे प्रॉपर्टी ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आइए फटाफट एक नजर डाल लेते हैं इस इलाके पर। सिलिकॉन ओएसिस पूरी तरह से दुबई सरकार का निर्माण है। दुबई को दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस हब के तौर पर डेवलप करने और यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इसे तैयार किया जा रहा है। ये एक फ्री जोन है, जहाँ पर आने वाली इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी पार्क है, जिसे काम करने और रहने दोनों के लिहाज से तैयार किया गया है। Around 500 per square feet, the pricing in general on residential units. It has a lot of potential, but it will take time for it to really reach a significant appreciation at this point. 7 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा में फैला सिलिकॉन ओएसिस 5 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एजुकेशन, रेजिडेंशियल और पब्लिक फैसिलिटीज शामिल हैं। सिलिकॉन ओएसिस के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल और वाटर सप्लाई के साथ साथ एडवांस टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटी और शानदार रोड नेटवर्क बनाया गया है। इसके अलावा नॉलेज विलेज से नजदीकी भी इसे एक बेहतरीन लोकेशन बनाती है। सिलिकॉन ओएसिस में आपके पास कई तरह के बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर आपको स्टूडियो अपार्टमेंट से लेकर 1 बेड और 2 बेडरूम अपार्टमेंट के बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ के ओएसिस हाई पार्क में आप स्टूडियो अपार्टमेंट देख सकते हैं, जहाँ पर आपको 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का भाव मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी व्यू प्रोजेक्ट में 1 बेडरूम वाला फ्लैट देख सकते हैं, जहाँ पर आपको करीब 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पर घर मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर एक 2 BHK अपार्टमेंट खरीदना चाहते हैं, तो आप कोरल रेजिडेंसीज में घर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको करीब 10,000 रुपए के भाव पर एक अच्छी डील मिल सकती है। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है दुबई को बाय बाय करने का, इस शानदार से शहर को अलविदा कहने का। पिछले 3 हफ्तों से हम लगातार आपको दुबई में अलग अलग इलाकों में शानदार और बेहतरीन प्रॉपर्टी ऑप्शन दे रहे थे, लेकिन अब हम यहां से वापस चलेंगे हिंदुस्तान, जहां पर इंडिया रियल एस्टेट गाइड का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। लेकर चलेंगे आपको कुछ और शानदार प्रॉपर्टी डेस्टिनेशंस पर, देंगे आपको कुछ बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी ऑप्शन इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी। तो फिलहाल के लिए लेंगे आपसे विदा, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय आरआर काबेल वायर नहीं भारत की नब्ज है हम मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। अरे मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया? सब छुट्टियों में घूमने गए। अब हम कब जाएंगे? मुझे भी जाना है पापा। हम भी छुट्टियों में घूमने जाएंगे। आपने झूठा वादा क्यों किया? घर की ईएमआई देने के बाद कुछ बचता है क्या? झूठा नहीं सच्चा वादा है, क्योंकि मैंने अपना होम लोन स्टेट बैंक पे शिफ्ट कर दिया है। अब ईएमआई बहुत कम हो गया है। ईएमआई हुआ कम, घूमने चले हम। जब अगली बार ऐसा खाना बनाओ ना तो ज्यादा बनाना। खाने से सिर्फ सेहत नहीं रिश्ते भी बनते हैं। LR Active Refined Sunflower Oil, अटूट बंधन स्नेह का। कॉफी, लेट्स गो। With double wishbone suspension, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. KST Infrastructure Limited, more than 25 years of experience in construction and real estate development. Secure your future with KST Infrastructure, shaping the future today. Call 9999008905 or SMS KST to 57333. मार्केट में वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कमाने के लिए जरूरत होती है सही और भरोसेमंद सलाह की, इसीलिए CNBC आवाज आप तक ले